सो फ्रेंड्स, अगर आप एयरटेल थैंक्स ऐप को इंस्टॉल करना चाहते हो और इंस्टॉल करके आपको यूज़ में लाना चाहते हो, ऐसे में आपको लॉगिन रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहा है या फिर सपोज मान लो जिस किसी डिवाइस को यूज़ करने के लिए आप इसे लॉगिन करना चाहते हो, आपका उसका अकाउंट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है। सपोज मान लो कि आपने आपका DTH के लिए इसे लॉगिन किया बट उसमें आपका DTH अकाउंट शो नहीं हो रहा है, या फिर अपने मोबाइल के लिए लॉगिन किया मोबाइल अकाउंट शो नहीं हो रहा है, एयरटेल एक्सट्रीम के लिए लॉगिन किया उसमें वो अकाउंट शो नहीं हो रहा है, तो ऐसे में इस प्रॉब्लम्स का सलूशन क्या है, कैसे करेंगे आप इस प्रॉब्लम्स का सलूशन, यही जानेंगे इस वीडियो में। लॉगिन रिलेटेड जो भी इशूज़ है उसे कैसे सॉल्व करेंगे और कौन सा नंबर से आपको लॉगिन करना है, यही जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो का कंप्लीट एंड तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय, आप देख रहे हैं टेक्निकल कॉन्सेप्ट। दोस्तों चैनल पर अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना ना भूले, क्योंकि मेरे इस चैनल पर ऑलवेज आपको टीवी एंड डीटीएच रिलेटेड वीडियोस मिलते रहते हैं। सो गाइस, इसके लिए आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से आपसे सबसे पहले आपको एयरटेल थैंक्स ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। तो चलिए हम यहां से प्ले स्टोर से सबसे पहले अपना एयरटेल थैंक्स ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये अपना प्ले स्टोर है और हम यहां से एयरटेल थैंक्स ऐप को पहले इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। यहां से प्ले स्टोर में जाएंगे और यहां से एयरटेल थैंक्स ऐप में चले जाते और इसे इंस्टॉल करते। मेरा यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल है, आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं ओपन पे क्लिक कर देता हूँ। ओपन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपके सामने इन्फॉर्मेशन आएगा, उसके एयरटेल का लोगो शो होगा, फिर आपके सामने एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। यहाँ एक बार इंस्टॉल करने के बाद जो ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इन्फॉर्मेशन आएगा, जिस पे आपको मोबाइल नंबर एंटर का ऑप्शन आएगा। यहाँ से मोबाइल एंटर योर मोबाइल नंबर शो होगा, तो आपने यहाँ पर वो मोबाइल नंबर एंटर करना है। सपोज मान लो कि आपने अपना मोबाइल का डाटा या फिर मोबाइल अकाउंट रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए मैनेज करना चाहते हो, एप्लीकेशन का यूज़ कर रहे हैं, देन आपको वही मोबाइल नंबर डालना है जो आपका मोबाइल नंबर एयरटेल मोबाइल नंबर है। और अगर आपका DTH है तो DTH में अगर यूज़ करना चाहते हो इस ऐप को, तो आपको DTH का साथ जो RMN नंबर है, रजिस्टर्ड नंबर, RTN नंबर, जो भी रजिस्टर्ड टेलीफोन नंबर है उसे एंटर करना, चाहे वो एयरटेल मोबाइल हो या फिर ना। तो यहां से फिलहाल मैं एक नंबर यूज करता हूं जिसमें मेरा दोनों ही है, मेरा मोबाइल भी एयरटेल का है साथ में DTH भी एयरटेल का यूज कर रहा हूं। तो यहां से मैं अपना मोबाइल नंबर एंटर कर लेता हूं। सबसे नीचे देखिए दो मोबाइल नंबर मेरा शो हो रहा है, क्योंकि इस ऐप को मैंने 2-3 मोबाइल नंबर में भी यूज किया था। तो मैंने यहां से अपना मोबाइल नंबर डाल दिया, यहां से अब OTP आएगा उस मोबाइल नंबर पे, तो OTP को यहां फिल करना है। यहां पे 4-digit OTP आएगा, उस OTP को फिल करना है, जो भी मेरा DTH के साथ RTN है, DTH मोबाइल नंबर वही डाला है यहां पे, DTH के साथ जो नंबर को मैंने रजिस्टर कर रखा है। तो चलिए मैं यहां पर OTP को फिल कर देता हूं। फट OTP एक बार फिल करने के बाद देखिए यहां से वेलकम शो हो जाएगा और आपका एप्लीकेशन बन के तैयार हो जाएगा आपको यूज के लिए। अब यहां से आपको दोनों ही अकाउंट शो होगा। यहां पे देखिए मैनेज ऑप्शंस क्लीन आया सामने ऊपर। अब यहां से आपका DTH हो चाहे कुछ भी आप यूज कर सकते हो बड़ी इजीली। यहां से आपको प्रोफाइल का सिंबल में जाना है। यहां से प्रोफाइल का सिंबल में जाने के बाद यहां से माई सर्विस को एक बार क्लिक करना है। माई सर्विस को आप जब क्लिक करेंगे तो आपको जितने भी अकाउंट से यहां पर शो हो जाएगा, जैसे कि यहां पर देखिए मेरा मोबाइल का भी शो होगा, मेरा DTH का भी शो होगा यहां से। तो यहां से देखिएगा मेरा सबसे पहले यहां से दो अकाउंट शो हो रहा है, एक सबसे पहले मेरा मोबाइल डाटा कितना लेफ्ट कितना बचा है क्या है कितना मैंने यूज़ किया ये शो हो रहा है, और नीचे मेरा एयरटेल डिजिटल TV का जो भी ID है वो शो हो रहा है, उसका डिटेल शो हो रहा है। तो इस तरह से आप भी लॉगिन कर सकते हो आपका एयरटेल थैंक्स ऐप को बड़ी इजीली और यूज़ में ला सकते हो। तो वीडियो अगर पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक करें, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर से एक और नया वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।